एवरीबॉडी, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का, और उस टॉपिक का नाम है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, ठीक है। लाइन का मतलब है रेखा और एंगल का मतलब है कोण, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक के अंदर जो भी कंसेप्ट है, सभी कंसेप्ट को हम अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश करेंगे, और पूरी कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन भी आएगा, और सभी क्वेश्चन को हम लोग कंसेप्ट की आधार पर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी कंसेप्ट में आ गया पहला नंबर पर लाइन यानी रेखा, और उसमें लिखा गया है ए लाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग टू पॉइंट्स इन द प्लेन। समतल में दो बिंदुओं को जोड़कर एक रेखा बनाई जाती है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। हम लोग ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट पढ़ें और बिना एक्सप्लेनेशन किए हुए और आगे बढ़ जाएं, उसमें अच्छा भी नहीं लगेगा, मुझे पढ़ाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको समझने में भी अच्छा नहीं लगेगा। एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, ए लाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग टू पॉइंट्स इन द प्लेन। टू पॉइंट्स इन द प्लेन यानी एक समतल में दो बिंदुओं को लीजिए, मान के चलिए कोई यहां थोड़ा जगह की कमी है तो मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं। मान के चलिए ये जो बोर्ड है ये एक समतल है, और इस समतल में मैं दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, दो पॉइंट लिया। मैं थोड़ा सा पॉइंट को काफी डिस्टेंस में लिया हूं, आप और भी डिस्टेंस कर सकते हैं या एकदम और भी नजदीक कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। तो अभी क्या कह रहा है, दो पॉइंट्स को जैसे हम लोग जोड़ेंगे, देखिए एक रेखा उत्पन्न हुआ कि नहीं, एक लाइन उत्पन्न हुआ कि नहीं, उसी तरह पॉइंट्स को अगर और भी दूरी पर मैं रखूंगा दो पॉइंट को, और जब मैं जोड़ दूंगा देखिए एक रेखा उत्पन्न हो गया। उसी तरह पॉइंट्स अगर आसपास रहेगा, देखिए दो पॉइंट्स एकदम आसपास में रेखा, ठीक है, और उसको जब मैं जोड़ दूंगा एक रेखा बन गया। क्लियर हो गया, यानी समतल में जब दो पॉइंट को आप कनेक्ट कर दीजिएगा तब एक रेखा उत्पन्न हो जाता है। दो पॉइंट्स या दो बिंदु वो बहुत नजदीक भी हो सकता है या बड़ी डिस्टेंस में रह सकता है, यह आपके ऊपर है, क्लियर। लेकिन इतना जान लीजिए दो पॉइंट की कनेक्शन से, दो पॉइंट को जोड़ने से एक रेखा की उत्पन्न होता है। चलिए फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आ गया रे, जिसका हिंदी मतलब है किरण। रे में क्या लिखा गया है, ए रे इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग एन एरो सिंबल टू एनी वन ऑफ द टू एंड्स ऑफ ए लाइन। एक रेखा के दोनों सिरों में से किसी एक पर तीर का चिन्ह जोड़ने से किरण उत्पन्न होती है, ठीक है। देखिए हम लोग यहां देखो रेखा ऑलरेडी हम लोग खींचे हैं, और इस रेखा में देखिए, इस रेखा में देखिए दो अंतिम भाग है, इधर भी दो, इसमें भी देखिए दो अंतिम भाग है, इसमें भी देखिए दो अंतिम भाग है। तो चलो जो मैं पहला वाला जो रेखा लिया हूं उसमें जो दो अंतिम भागों में से किसी एक अंतिम भाग में आप एरो की सिंबल ऐसा लगा दीजिए, जैसे लगा दिए तब ये क्या बन गया ना, एक किरण बन गया, एक रे बन गया। अगर ये जो सेकेंड वाला जो रेखा में अगर इस साइड ऐसा भी अगर लगा देता हूं तो ये भी एक किरण बन गया।
तीसरा वाला रेखा को देखिए, अगर एक साइड में एरो लगा देता हूं तो यह भी एक किरण बन गया। क्लियर हो गया? रे का जो डेफिनेशन है या किरण का जो परिभाषा है वो क्लियर हो गया ना। चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो रे है जो किरण है वो दो प्रकार की है, एक हो गया कोलिनियर जिसको कहते हैं रैखिक, और दूसरा हो गया नॉन कोलिनियर जिसको कहते हैं अरैखिक। और भी हम इसको और भी व्याख्या करेंगे, ये रैखिक या कोलिनियर किसको कहते हैं, नॉन कोलिनियर या अरैखिक किसको कहते हैं। चलिए अभी देखते हैं। अभी देखिए मैं इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, ये जो रैखिक या कोलिनियर इसके बारे में समझाऊंगा। देखिए ये एक पॉइंट लिया मैंने, इसी पॉइंट से मैं एक रेखा यानी एक रे ऐसा लिया, क्लियर, एक रे में ऐसा लिया, मान के चलो इस रे के नाम दे दिया ओ ए, ये एक हो गया किरण, ठीक है। एग्जैक्टली उसी के ऑपोजिट में मैं और एक किरण ले लिया, इसका नाम दे दिया ओ बी, यानी दो किरण जब एक लाइन में रहते हैं, जब दो किरण एक लाइन में रहते हैं, समझ में आ गया, एक किरण हो गया ओ ए, दूसरा किरण हो गया ओ बी, जब एक लाइन में ऐसा रहते हैं तब, यानी दो मतलब पूरा अपोजिट में जब रहेंगे, पूरा अपोजिट में, अगर हम यहां देखेंगे यहीं पे अगर हम देखेंगे तो यहां कितना डिग्री उत्पन्न होना चाहिए ना, 180 डिग्री उत्पन्न होना चाहिए, क्लियर, जिसको कहते हैं सीधा कोण, स्ट्रेट एंगल। अगर इस अवस्था में दो किरण रहेंगे तब कहेंगे कि ये दो किरण कोलिनियर अवस्था में है, यानी एक रैखिक में है, एक रैखिक अवस्था में है, क्लियर। चलिए फिर मैं इसको समझाता हूं, नॉन कोलिनियर। ये जो नॉन कोलिनियर लिखा गया है मैं फिर इसी को समझाता हूं, ये नॉन कोलिनियर या अरैखिक रेस किसको कहेंगे। अभी चलिए मैं दो रे ऐसा लिया, एक रे में ऐसा लिया और दूसरा रे में ऐसा लिया, ओ ए ओ बी, ये जो दो किरण में लिया हूं, देखिए क्या ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, क्या ऐसा एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब स्ट्रेट लाइन में दो किरण नहीं होते हैं या जब दो किरण अपोजिट एक दूसरे के विपरीत में नहीं दिखाई देते हैं तब हम दो किरण को कहेंगे कि दोनों किरण अरैखिक अवस्था में है, यानी दोनों किरण नॉन कोलिनियर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एंगल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कोण के बारे में पढ़ते हैं। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट गिव्स एन एंगल, एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु से दो अरैखिक किरण का मिलन एक कोण देता है। उभयनिष्ठ, कॉमन इनिशियल पॉइंट, ये देखो इसको जो मैं लिखा हूं ऐसे CIP यानी कॉमन इनिशियल पॉइंट, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कौन है ना, A है, ये जो A है ये हो गया उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, और इसी बिंदु से जो दो रे, एक हो गया AB और दूसरा हो गया AC, ये देखिए दो नॉन कोलिनियर है कि नहीं, दो और एक ही किरण है कि नहीं, इसीलिए दोनों अरैखिक है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है, इसीलिए दोनों अरैखिक किरण है। और जब
ये दो और एक ही किन्नर इसी जगह पर मिलते हैं, या इसी एक कॉमन मतलब मेरा मिलते हैं, मतलब मेरा कहना कि जब दो और एक ही किरण एक कॉमन पॉइंट से निकालते हैं तो इसी जगह पर एक कोण बनाते हैं। समझ में आ गया? इसी को कहते हैं एंगल या कोण। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विथ ए कॉमन इनिशियल पॉइंट गिव्स एन एंगल। जब दो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जब दो और एक ही किरण, और दोनों देखिए एक ही बिंदु से निकले हुए हैं, और जब इन दोनों का कनेक्शन हो जाता, देखिए कनेक्शन हुआ कि नहीं इसी पॉइंट पर, ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट यानी उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु पर मिले हैं कि नहीं, मिलने के वजह से यहां एक कोण उत्पन्न हो गया, इसी को इंग्लिश में कहेंगे एंगल। क्लियर? और एंगल को हम कैसा लिखेंगे, देखिए यहां देखिए मैं लिखा हूं, फिर भी मैं उसको दोबारा व्याख्या कर रहा हूं। हम एंगल को ऐसा लिख सकते हैं बी ए सी, बी ए सी एंगल, जो एंगल है जिस कोण को हम लोग सूचित करेंगे उसको हमेशा कहां लिखेंगे ना, बीच में लिखेंगे। उसी प्रकार देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए बी, सी ए बी इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए जो जिस एंगल को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो कहां लिखे हैं ना, बीच में लिखे हैं। और इस कोण को हम लोग सिर्फ इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, ए कोण। क्लियर? और ये जो तीनों प्रकार में जो हम लिखे ये सब एक दूसरे से बराबर है, यानी ये बराबर ये जिसको मैं यहीं पे लिख दिया हूं। क्लियर? नेक्स्ट। और अभी जरा देखिए, जैसे एक एंगल, ये जो से एंगल है इसमें हम लोग सारे मतलब इसी कोण को हम कितने प्रकार में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो तरीका मैंने बता दिया, बी ए सी, सी ए बी, या सिर्फ ए, इस तीन तरीकों में हम लोग इस कोण को रिप्रेजेंट या सूचित कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट केस टू में देखिए, केस टू में देखिए, मैं ये जो यहां मैं कितना एंगल बना दिया ना, तीन एंगल में बना दिया, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। सिर्फ एक कोण के, सिर्फ अगर मैं इसी कोण के बारे में बात करूं, इसी कोण के बारे में बात करूं, आप लोग ऐसे घुमा फिरा के लिख सकते हैं बी ए सी कोण इज इक्वल टू सी ए बी कोण इज इक्वल टू वन कोण, आप ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि हम सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा हूं, बी ए सी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बी ए सी कोण इज इक्वल टू सी ए बी कोण इज इक्वल टू वन कोण, आप लोग ऐसा लिख सकते हो। लेकिन ऐसा लिख सकते हो? अभी फिर देखिए, अगर मैं सिर्फ इसी कोण के बारे में बात करूंगा, सिर्फ इसी कोण के बारे में, देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं सी ए डी कोण इज इक्वल टू डी ए सी कोण, हम ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू दो कोण। और इस कोण के बारे में जब बात करेंगे हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी ए ई कोण बराबर ई ए डी कोण इज इक्वल टू कोण थ्री। समझ में आ गया? अभी सवाल उठता है, क्या ये जो तीन कोण है, एक कोण, दो कोण और तीन कोण,
क्या सब आपस में इक्वल है? ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, सारे कोण एक दूसरे से अलग है, इसीलिए इस रूप में हम लिख दिए। यानी एक कोण कभी भी दो तीन कोण के साथ बराबर नहीं हो सकता, तीन नंबर कोण कभी भी दो नंबर और एक नंबर कोण के साथ बराबर नहीं हो सकता, दो नंबर कोण कभी भी एक और तीन नंबर कोण के साथ बराबर नहीं हो सकता है। यानी प्रत्येक कोण एक दूसरे से अलग है। समझ में आ गया? तो इसलिए मैं लिख दिया एंगल वन इज नॉट इक्वल टू एंगल टू, एंगल टू इज नॉट इक्वल टू एंगल थ्री, सभी कोण अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट। डिवीजन ऑफ प्लेन बाय एन एंगल, एक कोण समतल को कितने भाग में बांट देता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए यहां देखिए एंगल बीएसी, एंगल बीएसी, ये जो बीएसी एक एंगल हम लोग बना दिए, और ये जो एंगल बना दिए समतल में ही, ये समतल को कितने भाग में बांटता है वही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए जैसे एंगल बना दिए हम लोग, एक भाग हो गया, देखिए ये वाला भाग, ये वाला भाग जिसको हम लिखे हैं द पार्ट ऑफ द प्लेन लाइंग बिटवीन द रेज ए बी एंड ए सी। ये जो देखो ए बी किरण और ए सी किरण के बीच में स्थित जो भी जो प्लेन की जो भाग, वो भाग को सूचित कर रहा है। और दूसरा है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है ये वाला भाग, बाहर वाला जो भाग है। ठीक है, तो इस भाग को क्या कहेंगे हम लोग, जो लाल कलर में जो मैं मार्क किया हूं उस भाग को हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल बीएसी। ये जो कोण बीएसी कोण है उसका आंतरिक भाग हम कहेंगे। क्लियर? और दूसरा जो भाग जो मैं ग्रीन कलर के द्वारा मार्क किया हूं उसको क्या कहेंगे, ना इस कोण का, ये जो बी ए सी कोण का बहिस्थ भाग कहेंगे, जिसको मैं ऐसा लिखा हूं द पार्ट ऑफ द प्लेन नॉट लाइंग बिटवीन द रेज ए बी एंड ए सी। यानी ए बी किरण और ए सी किरण के अंदर नहीं रहने वाला जो भाग, ठीक है, यानी बहिस्थ भाग, मतलब इस रे के बाहर जो भाग है उसी को कहते हैं बहिस्थ भाग, इसी प्लेन का बहिस्थ भाग कहते हैं। क्लियर? तो यही से हमको क्या समझ में आया, तो यही समझ में आया कि एक कोण प्लेन को दो भागों में बांट देता है। एक हो गया आंतरिक भाग जिसको मैं रेड कलर के द्वारा रिप्रेजेंट किया हूं, और दूसरा हो गया बहिस्थ भाग यानी एक्सटीरियर पार्ट जिसको मैं ग्रीन कलर के द्वारा रिप्रेजेंट किया हूं। समझ में आ गया? बस आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला कंसेप्ट को पढ़ेंगे और फिर क्लास को आगे लेते हुए चलेंगे। थैंक यू।